हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके लिए क्लास प्रेजेंटेशन लाई हूँ विटामिन ई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पे, और आप इसको एज ए हेल्थ टॉक भी बना सकते हो। क्लास प्रेजेंटेशन यानी कि जो हम क्लास में प्रेजेंट करते हैं किसी टॉपिक के बारे में, ये टॉपिक है इसके बारे में प्रेजेंट करते हैं। इसमें ना पेशेंट का कोई डाटा नहीं होता है, सिर्फ हम ये जो टॉपिक है इसी को हम पूरा क्लास में डिस्कस करते हैं और लेक्चर की तरह बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। और आप इसको एज ए हेल्थ टॉक भी बना सकते हो, अगर आप चाहो तो ये हेल्थ टॉक भी बना सकते हो। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि अगर आप क्लास प्रेजेंटेशन की जगह हेल्थ टॉक भी लिख सकते हो, और इसको आप वहाँ पर हॉस्पिटल में भी प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ टॉक हम ज़्यादातर हॉस्पिटल या कम्युनिटी एरिया में ही प्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मेट बिल्कुल लेसन प्लान की तरह ही होता है। इसमें स्टूडेंट का बायोडाटा और सब कुछ कंप्लीट चीज़ आएगी। ये मुझे लगता नहीं इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत है। रोल नंबर आपको लिख लेना अपना, और लैंग्वेज वेन्यू भी लिखना है कि अपनी कहाँ पर अपने जो क्लास प्रेजेंटेशन है वो दी, जैसे कि अपने जूनियर्स को दिया फिर अपनी ही क्लास में दी। तो अगर मान लो आपने अपने जूनियर्स को दिया तो आप क्या लिखोगे कि मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर में दे दिया आपने, है ना। प्रीवियस नॉलेज आपको इस तरह लिखना है। जनरल ऑब्जेक्टिव मैं अपनी बहुत सी वीडियो में वैसे बताती भी हूँ कि कैसे लेसन प्लान बनाना है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि चीज़ें हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं अपनी क्लास प्रेजेंटेशन में। तो इसमें आप ये मत लिखना है आई विल डिस्कस अबाउट, इसमें आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पहले आपको ये लिखना है, और ये विल है, ये जो है विल है। और उसके बाद ही सब कुछ आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, जैसे इंट्रोडक्शन इसकी आई स्मॉल लेटर, डी स्मॉल लेटर, एस स्मॉल लेटर, सब कुछ। इसके कुछ रूल होते हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। तो जितना भी टॉपिक हम अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करते हैं ना, मतलब कि क्या क्या कंटेंट है, वो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हमको लिख लेना है। तो अब ये देखो, यहाँ से हमारा मेन फॉर्मेट स्टार्ट हो गया जो कि लेसन प्लान का पूरा बना हुआ है, और इसमें हमने विटामिन ई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का इंट्रो लिखा है, फिर डेफिनेशन है, बिल्कुल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऐसे जैसे कि पहले लिखे हुए थे, एंड डेफिनेशन और टाइमिंग आपको लिख लेनी कितनी कितने टाइम में आपने क्या चीज़ एक्सप्लेन करी। उसके बाद यहाँ आ जाइए, देखिए टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ में लेक्चर कम डिस्कशन आता है। ईवीएट में हमने वाइट बोर्ड का यूज़ करें, या फिर आपके पास चार्ट, अगर आप चार्ट लिखो, पैम्पलेट्स, फ्लैश कार्ड, ओएचपी, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। इवेल्युएशन में लास्ट में थोड़ा सा आपको उनसे क्वेश्चनिंग कर लेनी है या पूछ लेना है इंट्रो एक्सप्लेन करने के बाद, इंट्रोड्यूस विटामिन ए और डिफाइन। ठीक, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरह इवेल्युएशन में लिखना होता है। उसके बाद जो भी हमारा कंटेंट या सॉरी टॉपिक चल रहा है वही आपको लिखना है, जैसे कि विटामिन ई का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका फंक्शन, क्योंकि इसमें सीरियम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा विटामिन ई के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सोर्सेज क्या होते हैं वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। और ये तो बिल्कुल ही ईजी है, इसमें तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ आप यहाँ लिखते हो वही आपको यहाँ पर लिखना है। सोर्सेज लिखे तो सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ई डेफिशिएंसी लिख रहे हो तो इंट्रो ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब यहाँ से जो है वो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का इंट्रो स्टार्ट हुआ, पहले जो इंट्रो हमने किया है वो विटामिन ए का इंट्रो था, वही सेम चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे चार्ट है, आपके पास चार्ट लिख दो। बाकी ये तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा ही होता है। इवेल्युएशन यानी कि लास्ट में जांच करने को बोलते हैं कि कुछ आपने पढ़ाया तो आपने बाद में थोड़ा सा पूछ लिया कि एक्सप्लेन करो फंक्शन ऑफ विटामिन ए, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ विटामिन ए। बाकी कंटिन्यूएशन में चल रहा है उसका इंसिडेंस आप देख लो, ठीक है, कॉजेज क्या हैं विटामिन ई डेफिशिएंसी के, एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप देख लो। ठीक है, अब यहाँ से हमारा मेन जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो गया कि विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है कौन कौन से। तो आप देख सकते हो नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन, कॉर्नियल ज़ेरोसिस है, ज़ेरोपैथेल्मिया है, वाइट आउट स्पॉट होता है आँख में ज़्यादा ना, स्पॉट एक येल्लो सा या वाइट सा उसको बोलते हैं, और कंजक्टिवल ज़ेरोसिस है, ज़ेरोपैथेल्मिया, सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि विटामिन ई की कमी से होती है। उनको वन बाय वन करके हमने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है सभी को। ये बिल्कुल ईजी चीज़ है, ये वाली चीज़ें बिल्कुल ईजी है, बीच का आपको मैटर अपनी बुक से लिख लेना है बस। तो बिल्कुल छोटा छोटा एक्सप्लेन किया हुआ मैंने, देखो आप कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक है, सिर्फ आपको नाम नहीं लिखने हैं, आपको थोड़ा सा बताना है उनका कि नाइट ब्लाइंडनेस में क्या दिक्कत होगी पेशेंट में, ज़ेरोपैथेल्मिया, ज़ेरोसिस कंजक्टिवा, ज़ेरोसिस कॉर्नियल, वाइट स्पॉट में क्या होगा,
और ये आपका है एवीड, ये है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी एंड इवेल्यूशन। तो इवेल्यूशन में आप देख सकते हो कि एनलिस द विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। सो ये भी कंटिन्यूशन में हमारा आ गया है यहाँ पे कंटेंट। तो सिम्टम है कि अगर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है तो क्या सिम्टम सामने आते हैं। तो ये वाले सिम्टम आप देख लो, ठीक है, ये सिम्टम है सारे के सारे आईज स्किन हेयर्स में क्या क्या अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये सारा कंटेंट आप बुक से भी बना सकते हो। ये देखो लेक्चर कम डिस्कशन वाइट बोर्ड और एनलिस द साइन एंड सिम्टम ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं इवेल्युएशन में। और इसके बाद आप देखो मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हमने लिख दिया कि सप्लीमेंटेशन उसमें देंगे विटामिन ए का, और सीवियर केसेस हैं तो उसमें इतना मतलब एमजी देंगे, और डाइटरी कंजप्शन में क्या करेंगे। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और ये चीज़ें सेम सेम आती हैं। ये यहाँ पर सारा को सेम ही लिखना है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी लेक्चर कम डिस्कशन आएगा। देन प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन कैसे हम प्रिवेंट करें इन प्रॉब्लम्स को, विटामिन ए की प्रॉब्लम को, सेम वैसे लिखा है। तो यहाँ पर आप इवैल्यूएशन में इस टाइप से भी लिख सकते हो जैसा यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रुप आस्क द क्वेश्चन एंड क्लियर डाउट, यानी कि लास्ट में पढ़ाने के बाद ग्रुप से आपने कुछ नहीं पूछा, ग्रुप ने ही आखिरी क्वेश्चनिंग कर दी कि उनको कुछ डाउट्स उनके हैं तो वो क्लियर कर रहे हैं अपने डाउट। ग्रुप आस्क द डाउट्स एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। एक मिनट हटा दिया पीछे। अब हम इसके बाद लास्ट में करेंगे समरी। तो हमने यहाँ से देखो प्रिवेंशन हमने मैंने आपको दिखा दी थी, उसके बाद समरी आएगी जिसकी आपको टाइमिंग लिखनी नहीं है, यानी कि पूरे टॉपिक को समराइज कर देना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपका आ जाता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद लेक्चर कम डिस्कशन एवीएड इवेल्यूएशन। तो इवेल्यूएशन में इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, कैपिटलाइजेशन में लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह कर लेनी है अपने स्टाफ से, सॉरी अपने स्टूडेंट्स से, जो भी जिनको भी आप पढ़ा रहे हो क्लास में, ठीक है। और ये हो गया 2 मिनट्स का। तो रिकैप्चुलाइजेशन भी आप देख सकते हो। एक मिनट, पढ़ने नहीं देगा बच्चों को। लास्ट में आप बिब्लियोग्राफी देखो कि हमने बिब्लियोग्राफी कहाँ से ये टॉपिक बनाया है। तो रिंपल शर्मा बुक से मैंने पूरा ये टॉपिक बनाया था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।